Hello friends! स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर आज की वीडियो नीट ट्वेंटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि लास्ट जो आपकी मेरिट लिस्ट है एलोकेशन सीट के जो स्टे वैकेंसी राउंड की वो आपकी रिलीज हो चुकी है तो इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि, कि किस कैटेगरी के, के अंदर किस रैंक तक एडमिशन हो पाया है जो लास्ट एडमिशन है ठीक है तो देखिए ये आपका लेटेस्ट नोटिस आप देख सकते हैं कि चौदह जनवरी को आपका रिलीज हुआ है तो ये जो नोटिस है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ट्वेंटी ट्वेंटी बैच के लिए भी और आगे जो भी प्रिपेयर करें ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए भी उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो क्योंकि आपको ये आइडिया हो जाएगा जो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं कि जो लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड है उसके अंदर भी कितने रैंक तक का स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाया है ठीक है तो यहाँ किन किन स्टूडेंट्स का एलोकेशन हुआ है और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो रिफ्यूज भी हुए हैं वो किस रीजन से हुए हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी तो देखिए क्या दिया है ये है आपका एम्स का जितने टोटल आपके नाइनटीन एम्स कॉलेजेस हैं उनका पूरा अकेडमिक सेशन का आपका दिया है देखिए अब क्या दिया है सब्जेक्ट में एलोकेशन ऑफ सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड हेल्ड ऑन फोर्टीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एट एम्स न्यू डेहली जो आपका एलोकेशन सीट दी है नीचे की कि किन किन स्टूडेंट्स को कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं तो स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जो कि चौदह को आपका रखा गया था तो देखिए आप नीचे देख सकते हैं यहाँ आपका अलॉटमेंट नंबर दिया है तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टेसी राउंड में सिलेक्शन हुआ है उसके बाद यहाँ रैंक दिया है कि वो किस रैंक पर लाइक करते थे रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर उनका नेम और कैटेगरी उसके बाद कैटेगरी जो अप्लाई की थी और जो इंस्टीट्यूट उनको मिला है अलाउट हुआ है तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं तो रैंक काफ़ी हाई रैंक तक स्टूडेंट्स का एडमिशन हो पाया है तो देखिए आप यहाँ से ये यह देख सकते हैं इंस्टीट्यूट कि किन किन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है अब कुछ स्टूडेंट्स लिस्ट में इस तरीके से मिलेंगे आपको जैसे रिफ्यूज़ दिया है एक हज़ार पचास है ना विकास अग्रवाला अनडिज़र्वि कैटेगरी से थे इनका क्या कर दिया रिफ्यूज़ हो गया तो इस तरीके से आपको देखना है काफ़ी स्टूडेंट्स मिलेंगे इस लिस्ट के अंदर जो कि रिफ्यूज़्ड है ठीक है तो टोटल आपके फ़ोर पेजेस हैं इन फोर पेजेस में आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाया है तो देखिए फ्रेंड्स मैं पूरी लिस्ट में चलती हूँ नीचे तक ये आपका सेकेंड पेज था उसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए यहाँ भी आपका साफ दिख रहा है रिफ्यूज अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है इनका रैंक भी कुछ ज़्यादा नहीं है पंद्रह हज़ार छः सौ इकतालीस ही है लेकिन ये रिफ्यूज़ है किस वजह से है उसका रीजन भी आपको मिलेगा आप देखिए कुछ स्टूडेंट जैसे अपसेंट भी रहे हैं ये पर्टिकुलर स्टूडेंट यहां पर अपसेंट रहा है एसी कैटेगरी का और ये ऐसी कैटेगरी का स्टूडेंट है जो रिफ्यूज रहा है रिफ्यूज हो गया ठीक है इस तरीके से आपकी जो ये टोटल स्टूडेंट्स है स्ट्री वैकेंसी राउंड के अंदर आपके एक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है ठीक है आप देखिए नॉट के अंदर क्या क्या दिया है एलोकेशन ऑफ सीट इन अनरिजर्व कैटेगरी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट वाइज वाज ओवर एट रैंक किस रैंक पर ओवर हुआ है पंद्रह हजार छ सौ तो बानवे पर आपका लास्ट एलोकेशन रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का अगर ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो लास्ट जो मेरिट गई है वो कहाँ तक गई है सोलह हजार एक सौ चौबीस तक मेरिट गई है ऐसे ही अगर एस कैटेगरी की बात की जाए तो मेरिट गई है बयासी हजार छः सौ तेईस रैंक पर ये लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा है ऐसे ही एस कैटेगरी का रहा है आपका एक उसके बाद अगर बात की जाए एस टी कैटेगरी की हो गई ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के, के अंदर रहा है आपका सोलह हजार एक सौ चालीस जो लास्ट मेरिट गई है वो ओवर हुई है वो सोलह हजार एक सौ चालीस पर हुई है ई डब्ल्यू एस कैटेगरी की और यदि पी डब्ल्यू बी डी कैटेगरी की बात की जाए तो आपकी कट ऑफ गई है छः लाख छियानवे हजार नौ सौ अट्ठाइस इस रैंक तक एडमिशन हो पाया है पीडब्ल्यू कैटेगरी के, के अंदर तो फ्रेंड्स ये था टोटल आपका एम्स का ट्वेंटी फोर कॉलेज की आपकी फुल लिस्ट थी तो इसमें आपको इस जो नोट है इससे आपको ये पता चल जाएगा भाई इस रैंक तक के स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है तो ये आपकी कहाँ हेल्प करने वाला है जितने भी स्टेट के स्ट्री वैकेंसी राउंड बचे हैं वहाँ आपको हेल्प करने वाला है कि भाई इस रैंक तक के स्टूडेंट का क्योंकि ये आपका ऑल इंडिया था ठीक है तो इससे आपको ये पता चल जाए इस रैंक तक का सिलेक्शन हो चुका और आगे आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते और आपको कोई सीट अलॉट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती फिर भी यदि फ्रेंड्स आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ओके थैंक यू फ्रेंड्स